जिम में वर्कआउट करने वालों को प्रोटीन की जरूरत आम लोगों से ज्यादा होती है। हालांकि नॉनवेज खाने वाले लोगों को तो भोजन में प्रोटीन का प्रॉपर अमाउंट मिल जाता है, लेकिन वेजिटेरियंस को हमेशा इसकी कमी होती है। इसलिए आजकल बाजार में कई तरह के प्रोटीन शेक मिलते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी होती है। प्रोटीन पाउडर 30 से 40 ग्राम यानी एक बड़ा स्कूप लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि प्रोटीन पाउडर को कैसे लेना चाहिए, पानी में या फिर दूध में? चलिए आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। दूध में प्रोटीन पाउडर मिलाकर पीने के फायदे। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं या मसल गेन करना चाहते हैं तो प्रोटीन पाउडर को दूध में मिलाकर पीना चाहिए, क्योंकि दूध में नेचुरली प्रोटीन और कैल्शियम होता है। जब आप प्रोटीन पाउडर को दूध में मिलाकर पीते हैं तो दूध की क्षमता और बढ़ जाती है। हालांकि दूध के साथ प्रोटीन लेने की वजह से ये प्रोटीन शरीर में अब्सॉर्ब होने में थोड़ा समय लगाता है। पानी में प्रोटीन पाउडर मिलाकर पीने के फायदे। प्रोटीन पाउडर को पानी में मिलाकर पीने से वो जल्दी पचता है। इसके अलावा पानी एक्सरसाइज के समय आपके शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आप प्रोटीन पाउडर को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसको पीने का सबसे बेहतर समय एक्सरसाइज करने के आधे घंटे के अंदर का होता है। रोजाना कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत? एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक सामान्य व्यक्ति को रोजाना अपने वजन के अनुसार प्रति किलोग्राम के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर आप जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आप प्रति किलोग्राम 1.5 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को बिना एक्सरसाइज किए रोजाना 0.8 × 50 = 40 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और अगर वही व्यक्ति एक्सरसाइज करता हो तो उसे 1.5 × 50 = 75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ध्यान रखें, ज्यादा प्रोटीन किडनियों के लिए खतरनाक हो सकता है।